वेलकम डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन इन दिस वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बात आप समझ लें कि अगर ये नहीं होता तो हम कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को जान नहीं पाते। हम घरेलू आय को जान लेते लेकिन ग्रॉस को भी जान लेते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जान लेते, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट सब पर जान लेते, लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय को नहीं जान पाते। अगर भारत की राष्ट्रीय आय को जानना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट डू वी मीन फ्रॉम दिस सेंटेंस, दिस एब्रिविएशन ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शेष विषय से क्या हमको फैक्टर इनकम इनकम के रूप में इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या पे करते हैं। कहने का मतलब आसान शब्दों में, भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में और दूसरे फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज में काम करते हैं, फैक्टर इनकम के रूप में अर्न करते हैं, वहाँ से भेजते हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री को, मदर कंट्री को। उसी तरह अमेरिका के लोग भी यहाँ काम करते हैं और दूसरे अन्य देशों के लोग भी यहाँ काम करते हैं, ये लोग भी तो भेजते होंगे अपने यहाँ। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या हमने मिला, क्या खोया, क्या पाया। खोया मतलब अटल जी की कविता की लाइन है, क्या खोया मतलब हम यहाँ से जो लोग गए, यहाँ से जो लोग पैसा अपने विदेशी अपने पैसा भेजते हैं, क्या पाया मतलब हम लोग जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या खोया मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या पाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या खोया क्या पाया, अटल जी की कविता की लाइन। तो NFIA क्या है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये एक फार्मूला निकल आया। अगला पॉइंट देखते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेंड अर्निंग। हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न किया जाएगा वो सब फैक्टर इनकम है, चाहे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, चाहे वो COE हो वेजेस एंड सैलरीज के रूप में, चाहे वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, सॉरी। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, दैट इज नॉन रेजिडेंट्स, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक स्टेट। अब सिग्निफिकेंस क्या है NFIA का, NFIA इज सिग्निफिकेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब कहानी सुनिए, देखिए अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो हमको डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, तो NFIA ही उसका डिफरेंस है, मतलब नेशनल इनकम माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट से डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट एंड देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम। जब इनकम मेथड से हम निकालते हैं तो हमारा बेस फार्मूला होता है NDPFC, और उसमें हम फिर NFIA जोड़ के हम निकालते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज टर्म्ड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और पॉपुलरली एब्रिविएटेड एज NFIA. सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA. तो NFIA के कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस का हिस्सा होता, आम हिस्सा होता. तो पहले हमारा नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 year एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर लेस देन 1 year. दूसरा पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. यहाँ रेंज हो गया है, रेंट हो, रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेजिडेंट्स. तीसरा नेट रिटेंड अर्निंग्स, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेंड अर्निंग्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड इट, यहाँ भी गलती हो गई, अब्रॉड एंड रिटेंड अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स कंपनीज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. दिस नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंड अर्निंग्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज केप्ट एज रिजर्व्स आफ्टर पेइंग द कॉरपोरेट टैक्स एंड डिविडेंड्स. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करने की जरूरत है. तो रिटेंड अर्निंग क्या होता है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज केप्ट एज रिजर्व्स आफ्टर पेइंग द कॉरपोरेट टैक्स एंड डिविडेंड्स. वी कंक्लूड दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA हैज 3 कंपोनेंट्स. ये फाइनल है. NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड. NFIA इज नेगेटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रॉड. NFIA is zero when income earned from abroad is equal to income paid to abroad. तो ये हमारा NFIA के ऊपर कॉन्सेप्ट था. ये हमने कर लिया है, ये बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था. तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा वीडियो NFIA के ऊपर कंप्लीट होता है. थैंक यू.